हेलो गाइज, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे जो हृदय के तीन प्रक्रम हैं, पहला है रुधिर, दूसरा है हृदय और तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। तो पहला रुधिर में हम लोग प्लाज्मा व रुधिर कणिकाएँ WBC RBC प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे। गाइज, प्लाज्मा जो होता है यह रुधिर का 55% भाग होता है और इसमें जो होता है कुछ कार्बनिक पदार्थ, कुछ अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में जैसे हो जाएगा ग्लूकोज, प्रतिरक्षी, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, पांचों प्रकार के प्रोटीन आ जाएंगे। और अकार्बनिक में आ जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके पश्चात सल्फेट और तमाम प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक इसमें थे। तो गाइज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे और हम लोग RBC के बारे में पढ़े थे कि जो मनुष्य का भार होता है उसके अपेक्षा जो RBC की मात्रा होती है वह 7-8% होती है। तो मतलब जैसे 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें जो रक्त की मात्रा होगी वह 5-6 लीटर होगी, इसके बारे में पढ़े थे। फिर इसके पश्चात गाइज हम लोग WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्स के बारे में पढ़े थे। जो WBC होता है इसमें कोई रंग नहीं होता और यह अमीबा के कारण रंगहीन होता है, इन सब के बारे में पढ़े थे। और हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़े थे। प्लेटलेट्स जो होता है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाता है तो प्लेटलेट वहां पर आकर रक्त को थक्का बनाता है, इन सब के बारे में पढ़ लिए थे। तो गाइज, आज का लेक्चर है जो आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं वह है हृदय व रक्त वाहिनियाँ। तो गाइज, हृदय में इतनी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो पहले हम लोग रक्त वाहिनियों को पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग रक्त वाहिनियों को पढ़ेंगे, फिर इसके पश्चात हम लोग हृदय को पढ़ते हैं। तो गाइज, आइए अब हम लोग रक्त वाहिनियों को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम लोग रक्त वाहिनियों को पढ़ेंगे तो इन सबको साफ कर लेते हैं। अब गाइस, जो रक्त वाहिनियाँ हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। मान लीजिए जैसे इसमें दूसरा हो गया रक्त वाहिनी, पहला हम लोग रुधिर के बारे में पढ़े थे, रक्त वाहिनी। तो गाइस, इसमें हम लोग अब पहला पढ़ेंगे धमनी। तो गाइस, धमनी जो होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और धमनी जो होता है हमारे शरीर के आंतरिक भित्ति में पाया जाता है। और धमनी जो होता है यह हृदय से पूरे शरीर में जो होता है वह ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड को ले जाता है, मतलब ब्लड को फ्लो करता है। इसके पश्चात गाइज, और जो धमनी होता है इसमें ऑक्सीजन रहित खून बहता है, धमनी के ये सब कार्य हैं। तो गाइज, आइए हम लोग धमनी के बारे में लिखते हैं। धमनी के द्वारा हमारे हृदय के जो हमारे हृदय में धमनी के द्वारा जो होता है पूरे शरीर में रक्त को फ्लो कराया जाता है। तो गाइज, आइए अब हम लोग धमनी को लिखते हैं। और गाइज, जो धमनी होता है पूरे शरीर में फ्लो कराया जाएगा तो धमनी की भित्तियाँ मोटी होंगी, उसकी पेशी स्तर मोटी होंगी, उसमें जो दाब लगता है वह 120 होगा। आइए इन सब के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो गाइज, पहला हो जाएगा धमनी में, धमनी हृदय से, धमनी हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। और गाइस, जो दूसरा है धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और गाइस, चौथा, पहला होगा दूसरा, तीसरा सी वाला, धमनी
शरीर के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। गाइज अगर हम लोग इसे देखें अपने हाथों में या त्वचा के ऊपर तो ये दिखाई नहीं देती हैं, तो ये आंतरिक भाग में दिखाई देती हैं, आंतरिक भाग में होती हैं, आंतरिक भाग में होती हैं। और गाइज इसमें डी हो जाएगा धमनी का जो रक्तदाब होगा 120 होता है। और गाइज पांचवा हो जाएगा धमनी की भित्तियां मोटी होती हैं, धमनी की भित्तियां मोटी होती हैं, मोटी होती हैं। और गाइज छठवां हो जाएगा धमनी का पेशीय स्तर मोटा होता है। तो गाइज ये सब इतने जो हैं धमनी के बारे में हैं। तो गाइज धमनी हृदय को, जो हृदय से रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को यह पूरे शरीर में फ्लो करता है। अब गाइज जैसे हृदय है और हृदय से पूरे शरीर में, जैसे मान लीजिए ये हृदय है और यह है हमारा धमनी। अब इस हृदय से पूरे शरीर में धमनी के द्वारा जो है शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को फ्लो करना है, तो धमनी में अत्यधिक रक्तदाब होगा, काफ़ी प्रेशर के साथ, काफ़ी दाब के साथ यहाँ से रक्त जाएगा। इसलिए जो होती है धमनी की दीवारें जो होती हैं वह मोटी होती हैं, धमनी की पेशी स्तर मोटी होती हैं, धमनी की भित्तियाँ मोटी होती हैं। अगर गाइस यही धमनी की भित्तियाँ पतली रहें और अगर प्रेशर के साथ जाए इसमें जो है ब्लड, तो वह तो फट जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी कारण धमनी की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं, उसकी पेशी भित्ति मोटी होती है, उसका पेशी स्तर मोटा होता है। और गाइस जो सिराएं होती है इसकी अपेक्षा जो सिरा जो होता है वह पतला होता है, क्योंकि गाइस उसमें जो रक्तदाब होता है केवल 80 होता है। और सिरा क्या काम करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जो लेकर आता है हृदय में लेकर आता है। तो गाइस यह जो सिरा है यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेकर आता है, तो इस पर ज़्यादा दाब नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी भित्ति जो होती है पतली होती है, इसका पेशी स्तर पतला होता है। लेकिन गाइस जो धमनी है इसका पेशी स्तर मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसमें दाब बहुत अधिक लगता है, और जो दाब लगता है वह 120 होता है, इसलिए गाइस इसका पेशी स्तर और भित्ति मोटा होता है। तो गाइस यह हो गया धमनी के बारे में। धमनी का कार्य यह होता है, धमनी जो होता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो गाइज अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सिरा के बारे में, सिरा क्या होता है। पहला गाइज हम लोग पढ़ लिए धमनी के बारे में। गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सिरा। तो गाइज सिरा में पहला सिरा शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को, और कौन सा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त। तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। और गाय दूसरा हो जाएगा रक्तदाब
180 होता है। और गाइस तीसरा, ये त्वचा के निचली सतह पर ही पाए जाते हैं, ये त्वचा के निचली सतह पर पाई जाती हैं। और गाइस डी, सिरा का भित्ति। पतला होता है। सिरा का पेशीय स्तर, सिरा का पेशीय स्तर पतला ही होता है। पेशीय स्तर पतला होता है, पतला होता है। और गाइस एफ, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो गाइज इतने सब हो गए सिरा के बारे में। सिरा का मेन कार्य होता है, यह जो सिरा है यह शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हृदय तक। यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। दूसरा गाइज, इसमें जो रक्तदाब होता है 180 नहीं 80 होता है, इसमें जो रक्तदाब होता है वह 80 होता है। और जो धमनियों में रक्तदाब होता है, जो धमनियों में रक्तदाब होता है 120 होता है। गाइज इसमें जो रक्तदाब होता है अधिक होता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, इसका पेशी स्तर मोटा होता है। और गाइज इसमें रक्तदाब केवल 80 है, इसलिए इसका पेशी स्तर पतला होता है और इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। और गाइज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का सिरा व धमनी के बारे में। हम लोग सिरा व धमनी के बारे में जान गए। सिरा का कार्य क्या होता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक पहुंचाता है। और जो हमारा धमनी होता है, यह हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो गाइज हम लोग जान गए सिरा धमनी क्या होता है। अब इसमें हम लोगों का तीसरा है केशिकाएँ। गाइज केशिकाएँ क्या होती हैं, तो पहला हो जाएगा सिरा से रक्त को धमनी से रक्त को सिरा तक पहुंचाने वाली पतली छोटी नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं। और गाइस ये ऊतकों पर जालनुमा संरचना में होती हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैसों का वहन विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गाइस आइए हम लोग इसमें तीसरा लिखते हैं केशिकाएं। तो गाइस केशिकाएं में पहला हो जाएगा ये धमनी से रक्त को सिरा तक पहुंचाती है। सिरा तक पहुंचाती है। और गाइस दूसरा हो जाएगा ये ऊतकों पर जाल की तरह बिछी रहती हैं। और गाइस इसमें तीसरा हो जाएगा, इसमें गैसों का विनिमय
विसरण की क्रिया द्वारा होता है, विसरण की क्रिया द्वारा होता है। द्वारा होता है तो गाइस यह हो गया हम लोगों का धमनी जो होता है, यह हो गया हम लोगों का केशिकाएं। केशिकाएं ये जो होती हैं, ये धमनी धमनिका से फिर केशिका, फिर केशिका से सिरकाएं, फिर सिरकाएं से सिरा का निर्माण होता है। तो गाइस जो ये केशिकाएं होती हैं ये धमनी से, यहाँ धमनी से जो है ब्लड को सिरा तक पहुँचाती हैं, और ये ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं पहुँचाती हैं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये धमनी जाएगा विभिन्न प्रकार के ऊतकों के पास, ऊतकों के ऊपर ये जालनुमा संरचना में रहती हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का विसरण द्वारा विनिमय होगा। विनिमय होने के पश्चात ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जब घुल जाएगा तो यह ब्लड जो है सिरा के द्वारा हृदय में चला आएगा। तो गाइज इस प्रकार से जो होता है यह केशिकाएं कार्य करती हैं। तो गाइज आइए हम लोग केशिकाएं की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइज जैसे यह हो गया हम लोगों का, पहले हो गया धमनी, यह हो गया हम लोगों का धमनी। अब गाइज यहीं से छोटी छोटी धमनिकाओं का निर्माण होगा। गाइस यहीं पे तो गाइज इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये धमनी से ये धमनिकाएं हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गई धमनिकाएं। फिर गाइज ये हो गया केशिकाएं, जो ऐसे छोटी छोटी उठी उठी संरचनाएं हैं, उभरी उभरी, ये सब हो गई केशिकाएं। तो गाइज ये हो गई हमारी केशिकाएं। फिर इसके पश्चात गाइज केशिकाएं एकजुट होकर जुड़कर ये सिरकाएं का निर्माण कर दी, सिरकाएं। फिर ये सिरकाएं सिरा का निर्माण कर दिए। तो गाइज अब देखिए यहीं पर जो है धमनी से ब्लड आया, शुद्ध रक्त है, इसमें O2 है। फिर इसके पश्चात धमनिकाएं में रक्त बढ़ गया और यहीं पर जो होता है O2 व CO2 गैस का मिश्रण होता है। अब ये ओटो युक्त रक्त यहाँ पर गया और धमनिकाओं में बढ़ गया, धमनिकाओं के द्वारा अब यह छोटी छोटी केशिकाओं पतली संरचना होती है तो ये केशिकाओं में चला गया। केशिकाओं में जाने के पश्चात अब ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाएगा। अब इसके पश्चात यहाँ से जो है अशुद्ध रक्त बहकर सिरा के द्वारा फिर हृदय में चला आता है। तो गाइज इस प्रकार से केशिकाएं की संरचना होती हैं। अब हम लोग केशिकाएं की संरचना के बारे में जान गए। तो गाइज आइए लिखते हैं, जो धमनी है, धमनी यह धमनिका का निर्माण करती है, धमनिकाएं विभाजित होकर, विभाजित होकर धमनिकाएं का निर्माण करती हैं और ये धमनिकाएं विभाजित होकर केशिकाएं का निर्माण करती हैं
और गाइज ये केशिकाएं जो हैं ये एकजुट होकर या जुड़कर, ये जुड़कर सिरिकाएं का निर्माण करती हैं। सिरिकाएं, और गाइस यह जो सिरिकाएं हैं यह जुड़कर सिरा का निर्माण कर देंगी। तो गाइस इस प्रकार से जो होता है हमारे केशिकाएं की संरचना है। यहाँ पर धमनी है, धमनी विभाजित होकर धमनिकाएं, फिर यह धमनिकाएं जो होती हैं सिरिकाओं में चेंज हो जाती है, फिर यह सिरिकाएं एकजुट होकर एकत्रित होकर या जुड़कर, ये केशिकाएं एकजुट या एकत्रित होकर सिरिकाएं का निर्माण करती हैं, फिर ये सिरिकाएं जुड़कर सिरा का निर्माण करती हैं। तो गाइज इस प्रकार से इसमें प्रोसेस होता है। हम लोग केशिकाएं के बारे में जान गए। तो गाइज अब हम लोगों का है जो स्ट्रक्चर तीसरा है वह है हृदय, हमारा हार्ट। गाइज हमारा हार्ट कार्य क्या कैसे करता है, हमारा हार्ट किससे बना होता है, हमारे हार्ट का कलर क्या होता है, हमारे हार्ट में धड़कन कैसे होता है, हमारे हार्ट में हार्ट व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर था पल्मोनरी धमनी। तो गाइज यह जो चित्र है यह है हम लोगों का हार्ट का। हार्ट का गाइज यहाँ पर है सिरा और यहाँ पर है पल्मोनरी धमनी, फिर इसके पश्चात यहाँ पर है पल्मोनरी सिरा, यहाँ पर है धमनी। तो गाइज अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पूरे शरीर से, हमारे पूरे बॉडी से जो है ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड यहाँ सिरा में आया, सिरा के पश्चात दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में आएगा, दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में आएगा, दाएं नीले से जो है यह पल्मोनरी धमनी के द्वारा हमारे फुफ्फुस में जाएगा, फुफ्फुस के पश्चात फिर यह पल्मोनरी सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आएगा, जो बाएं अलिंद में आएगा वह पूरी तरह से शुद्ध रक्त होगा, फिर बाएं अलिंद से बायां नीलय में आएगा, बायां नीलय के द्वारा फिर यह धमनी में आएगा, फिर धमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा। तो गाइज आइए हम लोग इसका अलग स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। गाइज यहाँ पर ऐसे ही होता है प्रोसेस, तो आइए हम लोग बनाते हैं इसमें अलग सा स्ट्रक्चर कुछ। तो गाइज जैसे मान लीजिए ये है हम लोगों का हार्ट, हार्ट है गाइज ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर इस प्रकार से बटा है, तो इसमें कुछ आसानी नहीं होगी समझने में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अलग चित्र बनाकर समझते हैं। तो गाइज जैसे हो गया ये हम लोगों का हार्ट, हार्ट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से नहीं, हम लोग समझने के लिए बना रहे हैं। तो गाइज यह आइए हम लोग इसे दो भागों में बांट दें। तो गाइज जो हमारा हृदय होता है वह द्विकोष्ठी नहीं अपितु चार कोष्ठी होता है। तो गाइज आइए हम लोग इसे चार कोष्ठ में बांट दिए, यह हो गया गाइज हम लोग इसे चार कोष्ठ में बांट दिए। गाइज यहाँ पर हो गया दाया नीलय दायां नीलय, यहाँ पर हो गया बायां नीलय, और गाइज यहाँ पर हो गया बायां, यहाँ पर आलिंद होगा, आलिंद दायां आलिंद, दायां नीलय बायां आलिंद, और यहाँ पर हो गया बायां नीलय। तो गाइज यह हो गया इसमें चार कोष्ठ, दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। तो गाइज हम लोग इसके बारे में जान गए, ये जो हमारा हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है, चार कोष्ठी होता है, बायां अलिंद बायां नीलय, दायां अलिंद दायां नीलय। तो गाइज अब यह जो दायां अलिंद जुड़ा होता है यह सिरा से जुड़ा होता है, यह मान लीजिए सिरा है गाइज, मान लीजिए ये है हमारा सिरा, जो हम लोगों का दायां अलिंद है ये सिरा से जुड़ा है ना, ये जो दायां अलिंद है सिरा से जुड़ा है। अभी गाइज इसके पहले हम लोग पढ़े सिरा का काम क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हृदय तक लेकर आता है।
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हृदय तक लेकर आता है। गाइज हम लोग अभी पढ़े सिरा के बारे में, तो गाइज यह जो सिरा है यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर आता है विभिन्न अंगों से हृदय तक। तो गाइज जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पर आ गया, सिरा से विभिन्न अंगों से जो है सिरा यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर आ, शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर आया। अब गाइस यह हम लोगों का रुधिर आ गया दायां निलय में। अब दायां निलय में आया इसमें संकुचन व शिथिलन की स्थिति होगी, और गाइस यहां पर त्रिकोष्ठी मतलब त्रिवाल्वी संरचना पाई जाएगी, एक वाल्व दो वाल्व त्रिवाल्व, तो यहां पर होगी त्रिवाल्वी त्रिवाल्वी मतलब गाइस यहाँ पर तीन छिद्र पाए जाएंगे, ये हमेशा नहीं खुले रहते हैं, इनमें छोटे छोटे रंध पाए जाते हैं, त्रिवाल्वी कपाट हम लोग इसे बोलते हैं। और गाइस जो यहाँ पर होता है यहाँ पर द्विवाल्वी एक दो, तो यहाँ पर होता है द्विवाल्वी कपाट। तो गाइस जब जैसे मान लीजिए हमारा जो ब्लड है अशुद्ध ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो हमारे दाएं अलिंद में आ गया ना, तो गाइस अब यह दाएं अलिंद जरा सा भी खाली नहीं रहेगा, यह पूरी तरह से रक्त से भरा रहेगा, अशुद्ध रक्त से भरा रहेगा। अब गाइस जैसे मान लीजिए यह दाया अलिंद है और इसमें यह है दाया अलिंद और इसमें पूरी तरह से जो है वह ब्लड भरा हुआ है, तो गाइस हमारा हृदय क्या करता है संकुचन व शिथिलन संकुचन की स्थिति में सिकुड़ता है, शिथिलन की स्थिति में फैलता है। तो गाइज अब जब इसमें संकुचन होगा तो यह गोलाकार रूप में आएगा, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्लड है यह त्रिवल्वीय कपाट के द्वारा जब यह सिकुड़ेगा गाइज तो यह जो बायां निलय है यह तुरंत फैल जाएगा, बायां निलय तुरंत फैलेगा, जैसे यह दायां आलिंद सिकुड़ा बायां निलय फैल गया तो यहाँ से जो ब्लड है अशुद्ध ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यह है जो है बायां निलय में आ गया, त्रिवाल्वी कपाट के द्वारा यह जो है बायां निलय में आ गया। अब गाइस यह जो ऐसा तो है नहीं केवल यहीं पर संकुचन व शिथिलन की स्थिति होगी, बायां निलय में भी होगी। तो गाइस जब बायां निलय में संकुचन व शिथिलन की स्थिति हुई तो यहां पर होता है पल्मोनरी धमनी। तो गाइस अब इसमें भी संकुचन व शिथिलन की स्थिति हुई तो यह जो ब्लड है यह जो हमारा ब्लड है यह भी ऐसे ही रहेगा, तो यह भी भरा रहेगा ब्लड, जब संकुचन व संकुचन की स्थिति हुई तो यह ब्लड जो है इसमें प्रवेश कर गया, शीतलन की स्थिति हुई फिर फैल गया। जैसे गाइस मान लीजिए आप कोई भीगा कपड़ा लेते हैं वह पूरी तरह पानी से भीगा हुआ है, अगर उसको आप जरा सा भी दबाएंगे जो पानी है वह नीचे गिरने लगेगा, जस्ट लाइक दी इस प्रकार यहाँ पर भी वही प्रक्रम होता है, यहाँ पर ब्लड पूरी तरह भरा रहेगा जब इसे हम लोग नहीं अपने आप से कुड़ता है, जब संकुचन करेगा तो ब्लड इसमें आएगा, किसके द्वारा आएगा जो त्रिवाल्वी कपाट है इसके द्वारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के पश्चात फिर इसमें भी जब संकुचन की स्थिति होगी तो यहाँ से जो है यहाँ या पल्मोनरी धमनी में चला जाएगा ब्लड। तो गाइज इस प्रकार से प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो गाइज अब मान लीजिए हम लोगों का जो ब्लड है सिरा से दाएं अलिंद में आया, संकुचन की स्थिति में त्रिवाल्वी कपाट के द्वारा बायां निलय में आ गया। अब गाइज यह जो है बायां निलय में यहाँ पर जुड़ा है बायां निलय से पल्मोनरी धमनी, इसे हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी धमनी या महाधमनी बोल सकते हैं, पल्मोनरी धमनी या महाधमनी। तो गाइज अब देखिए हम लोगों का ब्लड सिरा में आया, सिरा के पश्चात दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद में संकुचन की स्थिति हुआ तो वहां से त्रिवाल्वी कपाट के द्वारा या बायां निलय में आ गया, अब बायां निलय में संकुचन की स्थिति हुआ तो यह जो है ब्लड हम लोगों का
यह आ गया पल्मोनरी धमनी में। अब गाइस यह पल्मोनरी धमनी जाएगा कहाँ, तो जो यह पल्मोनरी धमनी है यह आएगा हार्ट के, ओ फुफ्फुस के पास, जो हमारा फेफड़ा होता है। गाइस जैसे मान लीजिए यह हो गया हम लोगों का श्वास नली, अब यह श्वास नली श्वसनी में बट गया, अब यह जो श्वास नली है यह श्वसनी में बट गया। इसके पश्चात गाइस यहाँ पे हो गए हम लोगों के फेफड़े जो होते हैं दो, और गाइस जो हमारा हार्ट होता है वो यहीं पर होता है। तो गाइस यह जो नली होती है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, हमारा हार्ट यहीं पर होता है और ऐसे विभिन्न प्रकार के इसमें नलियाँ निकली रहती हैं, तो गाइस इसी के अंदर होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसे साफ कर देते हैं जो हम लोग हार्ट बनाए हैं, केवल हम लोगों को फुफ्फुस में इसमें समझना है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का फेफड़ा, और यह जो होते हैं छोटी छोटी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा कोशिका बना दिया। अगर आप लोग श्वसन तंत्र के बारे में नहीं पढ़े हैं तो इसी के लेक्चर के आगे वाला है, इसके लेक्चर के आगे वाला जो है श्वसन तंत्र व उस श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आ गया, अब यह जो है यह नली जो है ऐसे यहाँ पर आकर मिल जाएगी, हृदय जो फेफड़ा है फेफड़े से आकर मिल जाएगी। क्योंकि गाइस यहाँ क्यों मिलेगी, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है वो यहीं पर स्थित होता है, और ये जो नलियाँ हैं ऐसे निकली हुई हैं तो नलियाँ इसी के पीछे से जुड़ी रहेंगी, फुफ्फुस से जुड़ी रहेंगी। तो गाइस इस प्रकार से जो अब हम लोगों का पल्मोनरी धमनी है, इस पल्मोनरी धमनी से जो ब्लड है वह ब्लड आ गया फुफ्फुस में। अब गाइस जब फुफ्फुस में आ गया, अब फुफ्फुस में आने के पश्चात क्या होगा, फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व ऑक्सीजन गैस का विनिमय होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यह फुफ्फुस के जो है कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और इसमें बाहर से जो वायु आता है वह दो भागों में विभाजित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करके श्वसनिका, फिर श्वसनिका से श्वसनी, श्वसनी से कंठ, कंठ से नासाद्वार, नासाद्वार के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाएगा। तो गाइस अब यह जो है यह ब्लड जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, यह जो ब्लड है यह कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अब यह यहाँ पर आया, इनके श्वसनिकाएं के द्वारा कोशिकाओं के द्वारा बाहर निष्कासित हो गया। अब गाइस इस जो ब्लड में रहेगा या जो ब्लड हो जाएगा अब यहीं पे शुद्ध होता है, या जो ब्लड है यहीं हमारे फेफड़े में शुद्ध होता है। तो गाइस आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारा ब्लड, तो गाइस ये इतनी लंबी नलिकाएं नहीं होती हैं, देख रहे हैं आप कितनी छोटी छोटी हैं, और चूंकि हमारा हार्ट यहीं पर स्थित होता है मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा बना रहा हूं। तो गाइस अब मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, रुधिर में है कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर में है, अब रुधिर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं से अवशोषित किया गया, अवशोषित करने के पश्चात श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ से फिर चला जाएगा श्वास नली में, श्वास नली के पश्चात फिर यह चला जाएगा कहाँ पर, हमारे कंठ में, कंठ के पश्चात यह बाहर ऐसे निष्कासित हो जाएगा, नासा गुहा नासा द्वार से यह बाहर निष्कासित हो जाएगा। फिर इसके पश्चात गाइस अब जो यहाँ पर इस ब्लड में जो मिला वह ऑक्सीजन घुल गया, अब यह ब्लड शुद्ध हो गया, तो अब यह ब्लड शुद्ध हो गया, अब इसमें जो रक्त बहेगा वह O2 युक्त रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा। तो गाइस अब यह जो ब्लड है यह हमारे बाएं आलिंद में आ गया, शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में आया। अब यह बाएं आलिंद में आने के पश्चात यहाँ पे द्विवाल्वी कपाट है, गाइस द्विवाल्वी कपाट के द्वारा अब फिर यहाँ पर संकुचन शिथिलन की स्थिति होगी। संकुचन की स्थिति में जैसे मैंने अभी आपको समझाया, यह जैसे बायां हम लोगों का क्या है आलिंद है, इसमें टोटली पूर्ण रूप से रक्त भरा हुआ है, वो भी कौन सा रक्त, O2 युक्त रक्त, शुद्ध रक्त, और दाएं आलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड, बायां नलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अब यह संकुचन की स्थिति हुआ तो यह सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के पश्चात यहाँ पर जो द्विवाल्वी कपाट होता है और नीचे जुड़ा होता है बायां नलय, तो यह जो रक्त है यह बायां नलय में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि गाइस जब यह सिकुड़ेगा तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और इसमें जो द्विवाल्वी कपाट होगा इसमें रंध्र पाया जाएगा, छिद्र पाए जाएंगे छोटे छोटे, तो इसी के द्वारा जो है ब्लड इसमें आ जाएगा, इसी के द्वारा जो है ब्लड इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो गाइस इसी के द्वारा जो है ब्लड हमारा बायां नलय में प्रवेश कर गया। अब बायां नलय में प्रवेश कर गया, कैसा रक्त है,
ऑक्सीजन युक्त रक्त है, शुद्ध रक्त है। अब गाइस यहीं से जुड़ा होता है धमनी, यहीं से जुड़ा होता है धमनी। तो गाइस अब यहीं से जुड़ा रहेगा धमनी। और गाइस जो यह है यहां से, तो मान लीजिए पल्मोनरी धमनी के द्वारा फुफ्फुस में आया, अब जिसके द्वारा यह बाएं आलिंद में जा रहा है उसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा, इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी सिरा या महासिरा, पल्मोनरी सिरा या हो जाएगा महासिरा, महासिरा। तो गाइज यह पल्मोनरी सिरा के द्वारा फुफ्फुस से आ गया यहाँ पर बाएं आलिंद में, पल्मोनरी सिरा के द्वारा फुफ्फुस से बाएं आलिंद में आ गया। कैसा रक्त आया? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त। अब यह यहाँ पर आ गया, अब यह जो है धमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग समझ गए। तो अब यह जो ब्लड है बाएं नीले में आया, अब बाएं नीले में भी यहाँ पर एक वाहिनी जुड़ी रहेगी, एक वाहिनी जुड़ी रहेगी, इसका नाम है धमनी, इसका नाम है धमनी, या हो गया गाइस धमनी। अब इसमें भी संकुचन व शीतलन की स्थिति होगी, तो यहाँ इस नली के द्वारा जो है ब्लड यहाँ पर चला आएगा, इस नली के द्वारा ब्लड यहाँ पर चला आएगा। अब यह जो ब्लड है गाइस, यह जो ब्लड है अब यह शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यह शुद्ध हो गया है, शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। तो गाइज यह हो गया हम लोगों में हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है। तो गाइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रुधिर सिरा से प्रवेश किया, सिरा से प्रवेश करने के पश्चात बाएं आलिंद में आया। गाइज बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद में यहाँ पे त्रिवलनी कपाट होता है, त्रिवली कपाट। इसके पश्चात आ गया दाएं आलिंद में, दाएं नीले, बाएं नीले में, बाएं नीले में आने के पश्चात गाइज नहीं यहाँ पे है सिरा ना, यह सिरा यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आने के पश्चात यहाँ पे त्रिवली कपाट होगा, त्रिवली कपाट यहाँ पर, इसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी धमनी के द्वारा हार्ट में हमारे फुफ्फुस में आ गया, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन मिला लिया जाएगा, फिर यह ऑक्सीजन मिलने के पश्चात आ जाएगा पल्मोनरी सिरा के द्वारा। पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को लाया यहाँ पर, यहाँ पर द्वि कोष्ठकी होते हैं, द्विवाल्वी कपाट होगा, इसके पश्चात यहाँ पर आएगा, फिर द्विवाल्वी कपाट के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों किस में? बाया नीले में। बाया नीले में आने के पश्चात यह धमनी के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक फैल जाएगा। इसी को गाइज मैंने इस प्रकार से आपको पढ़ाया और आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज इस प्रकार से प्रोसेस होता है हमारे ब्लड का शुद्धिकरण। तो गाइज अब आइए हम लोग हृदय के बारे में लिखते हैं। हम लोग जान गए हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय चार कोष्ठी होता है, या दाएं आलिंद, बाया नीले, बाया आलिंद, बाया नीले में विभक्त होता है। गाइज यहाँ पे होगा बाया नीले, दाया आलिंद, दाया नीले, दाया। तो इस प्रकार से होता है हमारे हार्ट का कार्य। गाइज हम लोग जान गए कि जो सिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया, त्रिवाल्वी कपाट के द्वारा संकुचन व शीतलन की स्थिति के द्वारा दाएं नीले में आ गया, फिर यहाँ पे संकुचन व शीतलन की स्थिति के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वह आ गया हमारे फेफड़े में। फेफड़े में जाने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहेगा वह इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, फिर इसके पश्चात बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस फिर धीरे से बाएं नीले में आ जाएगा। जिस नली के द्वारा आएगा उसका नाम है पल्मोनरी सिरा या महासिरा, फिर इसके पश्चात यहाँ पे द्विवली कपाट के द्वारा आ जाएगा बाएं नीले में, संकुचन व शीतलन की स्थिति के द्वारा फिर यह धमनी में आ जाएगा, धमनी के आने के पश्चात शुद्ध रक्त आ गया, फिर यह शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। तो गाइज अब आइए हम लोग इसे साफ करते हैं। अब आइए हम लोग हार्ट के बारे में लिखते हैं हमारा हृदय क्या कार्य करता है। तो गाइज जो हमारा हार्ट है यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, जो गाइज हमारा हार्ट है यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, और जो हार्ट है यह हृदयावरण नामक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। हमारे हार्ट का भार जो होता है वह 300 ग्राम होता है। तो गाइज आइए अब हम लोग हार्ट के बारे में लिखते हैं।
तो हम लोगों का रक्त परिसंचरण का तीसरा भाग था हार्ट, तो ये हम लोग हार्ट के बारे में लिखते हैं, हार्ट हृदय। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं, तो गाइस इसमें पहला हो जाएगा, पहला यह सबसे व्यस्त अंग है, यह सबसे व्यस्त अंग है, यह सबसे व्यस्त अंग है। गाइस व्यस्त अंग क्यों है, क्योंकि यह लगातार ब्लड का फ्लो करता रहता है। दूसरा यह हृदयावरण पतली झिल्ली द्वारा पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। और गाय तीसरा इसका भार 300 ग्राम होता है, हमारे हार्ट का भार 300 ग्राम होता है। गाइस चौथा इसमें संकुचन व शिथिलन की स्थिति होती है, संकुचन व शिथिलन की स्थिति होती है। जिसे धड़कन कहते हैं। और गाइस पांचवा हो जाएगा हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। और गाइस छठवां हो जाएगा भ्रूणावस्था में, जब कोई शिशु का निर्माण होता रहेगा तो उस समय जो हमारा हार्ट होगा 150 बार धड़कता है। और गाइस सातवां जो हमारा हृदय है यह भी पेशी भाग होता है, इसमें भी मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऐसा तो है नहीं हृदय केवल वैसे ही कार्य करेगा, केवल यह रक्त का फ्लो करेगा इधर से उधर, नहीं गाइस इसकी भी संरचना होती है, इसकी भी मांसपेशियां होती है, इसे भी जीवित रहने के लिए, इसे भी निरंतर कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसमें जो ब्लड आता है इसकी मांसपेशियों में, जो हृदय की मांसपेशियों में ब्लड आता है वह आता है कोरोनरी धमनी के द्वारा। और गाइस व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आता है, जब इसे कोरोनरी धमनी में स्फिग्मोमेनोमीटर नामक पदार्थ एंजाइम इसमें जमा होने लगते हैं, तो जो इसमें ब्लड का फ्लो होता है वह बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। तो गाइस आइए लिखते हैं हृदय की मांसपेशियों में रक्त कोरोनरी धमनी के द्वारा
आता है। और गाइस आठवां, कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण, रुकावट के कारण व्यक्ति को हृदयाघात आता है, व्यक्ति को हृदयाघात जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है। अभी गाइज मैं बताऊंगा कैसे कोरोनरी धमनी जो यह बैन होती है और जो होता है या हार्ट अटैक हृदयाघात क्यों आता है, इन सब के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइज इसमें नवा हो जाएगा हृदय, एक धड़कन में, मतलब गाइज एक बार संकुचन व शिथिलन किया एक धड़कन में या 70 ml ब्लड का, 70 ml रक्त का, रक्त को स्रावित करता है, स्रावित करता है। गाय दसवां, जो रक्तदाब होता है, जो रक्तदाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है, mmHg होता है। और गाइज ग्यारहवां, अम्लीयता, अम्लीयता धड़कन को बढ़ा देती है, अम्लीयता धड़कन को बढ़ा देती है। और गाइज क्षारीयता, क्षारीयता धड़कन को घटा देती है। तो गाइज यह होता है हमारे हृदय के बारे में। और गाइज एक बात और है, जो हमारा हृदय होता है, जो हृदय में ब्लड बह रहा है जिसका इतना होता है 120/80, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसका जो रक्तदाब होता है वह 120 से 80 होता है। इसे किसके द्वारा मापते हैं, तो उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर, जिसके द्वारा मापते हैं। तो गाइज आइए लिखते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। तेरहवां, स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है। तो गाइज इतने सारे टॉपिक हैं हृदय के बारे में। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, यह जो चारों तरफ से यहाँ पर देखिए यह हृदयावरण झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, पतली झिल्ली द्वारा। इसके पश्चात इसका भार जो होता है 300 ग्राम होता है। इसमें संकुचन व शिथिलन की स्थिति होती है, जिसे हम लोग धड़कन कहते हैं। जैसे धड़कन है, एक बार संकुचन हुआ, शिथिलन हुआ, संकुचन की स्थिति में यह सिकुड़ेगा, शिथिलन की स्थिति में फैलेगा, तो इसे हम लोग एक धड़कन कहेंगे। इसके पश्चात गाइस है, हमारा हृदय एक मिनट में केवल 72 बार धड़कता है। और जब मादा के गर्भाशय में अगर शिशु का निर्माण होने लगेगा, जो शिशु भ्रूणावस्था में रहेगा, तो उस समय जो हार्ट होता है वह 150 बार धड़कता है। क्यों धड़कता है, क्योंकि गाइस उस समय सभी अंगों का निर्माण होता है, तो उसमें ब्लड बराबर चाहिए, तो ब्लड को पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए यह 150 बार धड़कता है। उस समय जो इसका प्रेशर होता है वह बहुत ही अधिक होता है। और गाइस
इसके पश्चात हृदय की मांसपेशियों में रक्त जो होता है कोरोनरी धमनी के द्वारा आता है। जैसे गाइस हृदय तो हमारा रक्त का फ्लो करता है, लेकिन यह भी एक पेशी अंग है। इसे भी जीवित रहने के लिए, इसे निरंतर कार्य करने के लिए भी रक्त की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसमें जो रक्त आता है वह होता है कोरोनरी धमनी, और जो कोरोनरी धमनी होता है वो यहीं पर होता है, इसकी आंतरिक संरचना में यहीं पर होता है। अब गाइस जैसे मान लीजिए यह कोरोनरी धमनी है ना, यह कोरोनरी धमनी है और इसमें जो है ब्लड आसानी से बह रहा है, इसमें जो है ब्लड आसानी से बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है ब्लड वह आसानी से बह रहा है। गाइस यह हो जाएगा ब्लड और यह हो जाएगा हम लोगों का कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। तो गाइज आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति ठीक ठाक है, इसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर व्यक्ति काफ़ी मोटा हो जाए जिससे उसके हृदय पर भार पड़े, इसके साथ साथ व्यक्ति धूम्रपान करने लगे, व्यक्ति तेली व वसी खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने लगे, तो इन सब के कारण जो होता है वह हार्ट अटैक की प्रक्रिया आती है। गाइज कैसे आती है, जैसे मान लीजिए यह एकदम सही है, जब व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी प्रक्रम नहीं करता है, नहीं वह मोटा है, नहीं वह धूम्रपान करता है, नहीं वह ज़्यादा तेली पदार्थों को खाता है, तो गाइज इस स्थिति में उसकी कोरोनरी धमनी सही रहेगी। अब दूसरी स्थिति क्या होगी कि जब व्यक्ति धूम्रपान करेगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने के पश्चात काफ़ी मोटा हो जाएगा, तेली खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करेगा, तो गाइज यहाँ पर जो होता है स्थिरोस्केलरसिस, यहाँ पर जो होगा स्थिरोस्केलरसिस, 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 ये गाइस जो होता है, ये जो होता है यहीं पर देखिए, यहीं पर ऐसे ऐसे छोटा 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 एकत्रित होने लगता है। अब गाइस यह जो है इस पल्मोनरी कोरोनरी धमनी में आ गया, अब यह ऐसे यहाँ पर जमने लगेगा, धीरे 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 जमते जमते यह जो है कोरोनरी धमनी को एकदम पूरी तरह फ्लो मतलब एकदम स्टॉप कर देगा, तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वह नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से जाम कर लिया है। अब गाइस जाम कर लिया है, अब हृदय को जो है ब्लड नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह ब्लड को पाने के लिए यहाँ पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा, तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा तो ये थोड़ा सा हटेगा, थोड़ा सा हटेगा, ब्लड का फ्लो हो जाएगा, जिसे हम लोग हृदयाघात या हार्ट अटैक कहते हैं। गाइस फिर इसके पश्चात कुछ दिनों के पश्चात फिर यह एकत्रित होगा, फिर से हार्ट अटैक आएगा, फिर से यह हट जाएगा, लेकिन दूसरी या तीसरी या चौथी बार जब आता है तो गाइस यह काफ़ी जगह पर एकत्रित हो जाता है। अभी तो मान लीजिए छोटे जगह पर एकत्रित था, जब दो से तीन बार आएगा तो यह काफ़ी जगह पर एकत्रित हो जाएगा। अब काफ़ी जगह पर एकत्रित होकर के यह जो कोरोनरी धमनी है इसे पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अब गाइस ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जो हमारा हार्ट है वह प्रतिक्रिया करे और यहाँ से जो है ब्लड फ्लो हो जाए, या पूरी तरह से धमनी को जकड़ लेता है कोरोनरी धमनी को, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब गाइस ब्लड का सर्कुलेशन होगा ही नहीं हृदय में, हमारा हृदय कार्य कैसे करेगा, हृदय के द्वारा ही तो सभी अंगों तक ब्लड जाता है। तो गाइस इस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय घात होता है। हृदय घात गाइस मोटापा की वजह से होता है, तेली खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से होता है, मधुमेह की बीमारी की वजह से होता है, धूम्रपान की बीमारी की वजह से होता है। मधुमेह में गाइस अगर हम लोगों का जो बीपी है वह 130 120 ऐसे चला जाए तो गाइस इस समय जो होता है हार्ट अटैक आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि गाइस फ्लो ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ पर हमारा हार्ट जो प्रतिक्रिया करेगा इसको हटाएगा, इसके पश्चात ब्लड का फ्लो कराएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं हर बार हटा लेगा, यहाँ पर जो एकत्रित हुए स्थिरोस्केलरसिस इसको तो हटा नहीं पाएगा। तो गाइस जिस प्रकार से हार्ट अटैक की प्रक्रियाएँ होती हैं, फिर इसके पश्चात गाइस हृदय एक धड़कन में, जैसे एक बार फूला, जो हमारा हृदय एक बार फूला फिर एक बार
पचका, एक बार पचका फूला तो इसमें यह 70 ml ब्लड का फ्लो करेगा, 70 ml ब्लड का फ्लो करेगा। फिर इसके पश्चात जो रक्तदाब होता है इसको 120/80 mmHg होता है। अब गाइज HG क्यों लिखा है, क्योंकि जो रक्तदाब मापते हैं उसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। गाइज हमारे डॉक्टर जो हमारे यहाँ हाथों में जब मापते हैं रक्तदाब को, तो यहीं पर ऐसे एक पट्टी लगाते हैं, पट्टी से एक तार गया होता है और वो मशीन लिए रहते हैं। फिर इसके पश्चात एक फुफ्फुस जैसा होता है उससे वे दाबते हैं, तो जो ब्लड होता है उसमें, जो यहाँ पर ब्लड होता है यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड रुक जाता है। फिर धीरे 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 ब्लड का फ्लो होता है तो यहाँ से ब्लड के फ्लो को माप लेते हैं। तो गाइस इसलिए, और जो मापते हैं जो उस यंत्र में लगा रहता है इतना बड़ा सा होता है, उसमें पानी नहीं अपितु HG भरा रहता है, पारा भरा रहता है, इसलिए गाइस यहाँ पर HG हुआ। और गाइस अम्लीयता धड़कन को बढ़ा देती है। गाइस अगर हम लोग अम्लीय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे हमारा हार्ट बीट अत्यधिक हो जाता है। अगर हम लोग क्षारीय पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं तो इससे भी हमारा हार्ट बीट कम हो जाएगा। इसके पश्चात गाइस स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। तो गाइस आज का हो गया ये हम लोगों का हार्ट के बारे में, पूरा परिसंचर तंत्र के बारे में। परिसंचर तंत्र 3 भागों में विभाजित है, पहला है रुधिर, दूसरा है हृदय, तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर में 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, रुधिर कणिका। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, इसमें सिरा, धमनी, केशिकाएँ। फिर इसके पश्चात हम लोग हृदय पढ़े, हृदय के कार्य, हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। गाइज यह पूरा हृदय का चैप्टर आज खत्म हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, पूरी तरह से समझ में आया होगा। और गाइज अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसे फिर से बताया जाएगा। गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।